आज हम शुरू करेंगे बीएससी फाइनल ईयर, चाहे वो एमडीयू क्लास के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो केयू के से हों, चाहे वो किसी अदर यूनिवर्सिटी से हों। तो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप यूनिट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आपको उस यूनिट का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको उस यूनिट का बेसिक पता है तो आप अपने आप भी, अगर आपको बेसिक आता है तो अपने आप भी जो है आप उस टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, किसी गाइड की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट पता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप अच्छे से जो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को समझ पाएंगे। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, बॉन्ड हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हम लेते हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरे हम लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लगभग 9th और 10th की बातें हैं, 11th 12th में भी आता है। आयनिक बॉन्ड की अगर बात करें, सिंपल सीधा सा बताना चाहूंगा, भी चार फॉर्म भाई, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कैसे बनते बेटा, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेंगे हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल लिया जाता है NaCl। क्या होता है, पॉजिटिव Cl है, इसके अंदर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 28 और 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 28 और 7। हम केमिकल बॉन्डिंग में एक रूल पढ़ते थे, ऑक्टेट रूल, जो क्या कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है तो उसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी सोडियम के पास तो एक ही है, जबकि इसके पास 7 है, इस एक को कोई बेनिफिट नहीं है अगर आउटर में एक है, क्योंकि अगर इसको 7 मिलेंगे तो अब ये जाकर के 8 होंगे, लेकिन जिसके पास खुद 7 है वो दूसरे को क्यों इलेक्ट्रॉन देगा अपने साथ, तो ये दूसरे को दे देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया और उसने ले लिया, इसने दिया, इसलिए पॉजिटिव, जिसे हम बोलते हैं सिंपल भाषा में कैटायन। और जिसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उसको बोलते हैं हमें एनायन। क्लियर है? तो इस तरह से क्या बनते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड। दूसरी तरफ कोवेलेंट बॉन्ड हमारे दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं हमारे प्योरली कोवेलेंट और दूसरे होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। क्या होते हैं हमारे, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड तो क्या होती है, इन विच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। क्या होगी बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है, अगर इनके बीच में जो बॉन्ड बना है एक इलेक्ट्रॉन ए का है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बी का है, तो इस बॉन्ड को ना तो पूरी तरह से ये बोल सकता मेरा है, ना पूरी तरह से बोल सकता दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, क्योंकि इसमें एक इसका है एक इसका है। तो इस तरह से क्या इनका हाफ हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग, बराबर की हिस्सेदारी है। इसके अपोजिट है हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, जैसे ये एटम है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देगा इसको, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय टू एटम्स। इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा एक, लेकिन साझेदारी उसके अंदर कितने की होगी, दो की। कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, मान लिया किसी को कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना है और उस इंस्टीट्यूट के लिए लगा लो 2 लाख की कीमत है जो उस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन दो पार्टनर है जे और एम। मान लिया जे के पास क्या है, 2 लाख रुपए नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा टीचर है, अच्छी पढ़ाई है। दूसरी तरफ एम है,
जो केवल फाइनेंशियल है कर सकता है इसकी, उसके पास पढ़ाने की नॉलेज नहीं है। तो दोनों में बातें हुई, तो एम क्या चाहेगा कि मेरा पैसा इसी जगह लगे जहां से मेरे को अच्छी इनकम होती रहे, तो क्या करेगा वो इंस्टीट्यूट खरीदने में जे की हेल्प करेगा। अब पैसे केवल एम दे रहा है, जे क्या है केवल उसके साथ है, पार्टनरशिप में आएगा, लेकिन पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन किसके हैं सारे, पैसे किसके हैं सारे, एम के। सेम केस यहाँ पे इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं सिंपल सा, आपने पढ़ा भी होगा सबसे सिंपल जो हम लेते हैं O3 जो होता है हमारा ओजोन, तो इसके अंदर तीन ऑक्सीजन के एटम होते हैं हमारे, इसके अंदर हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन बांटेंगे 2 और 6, और एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट्रॉन क्या है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इस ऑक्सीजन के पास है 6, तो क्या करेगा बॉन्डिंग करेगा, बॉन्डिंग की 6 इसके पास थे तो शेयर कर लिया 7 हो गए, फिर एक को और शेयर किया कितने हो गए 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए 8 हो गए। अब ये ऑक्सीजन तो रेडी बॉन्ड बनाए बगैर, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या करेगी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ अगर कर दे, दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ करने का मतलब क्या है कि इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझे कर लिए, शेयरिंग कर ली, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने से क्या हुआ, 6 इसके पास थे 2 इसके साथ शेयरिंग में आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक आपको जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वो काफी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या मेटल कॉम्प्लेक्स की, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की आपको बताना चाहूंगा। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हमारे कैसे होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे, बस फर्क क्या होता है, डी में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेते हैं, डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन की जब बात की जाती है तो ट्रांजिशन में होते हैं डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं होते, लेकिन सारे ट्रांजिशन क्या होते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो अगर बात की जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टडी थी सबसे पहले स्टार्ट की थी वर्नर ने, किसने स्टार्ट की थी बेटा, वर्नर ने 1892 के अंदर, वर्नर ने जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया लगभग 1 या 1.5 साल तक, और उसके बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी अपनी स्टडी के बेसिस पर कुछ पोस्टुलेट दिए थे, उन पोस्टुलेट्स को नाम दिया जाता है वर्नर थ्योरी। क्या नाम देते हैं बेटा, वर्नर थ्योरी। वर्नर ने कब दिए थ्योरी, 1893 के अंदर, कब दिए थ्योरी, 1893 के अंदर। तो वर्नर की जो थ्योरी थी वो सबसे पहली थ्योरी थी जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कुछ बताया था, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया था। इसके लिए जो है वर्नर को 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या भाई, वर्नर को 1913 में इस थ्योरी के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज। अब वर्नर ने अपनी थ्योरी के अंदर कुछ मेन पोस्टुलेट्स दिए थे, वो मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, जो मेन पोस्टुलेट्स वर्नर ने दिए वो क्या थे हमारे, नंबर 1 उसने बताया एवरी मेटल शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, कोई भी जो मेटल है वो बेटा हमारा 2 टाइप की वैलेंसी शो करती है, दैट इज एक होती है उसकी प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। कौन कौन सी वैलेंसी होगी, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा ये तो उसने बताया कि शो करती है, दूसरे पोस्टुलेट में बताया एवरी मेटल हैव टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी, टू सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी।
कि जरूरत के हिसाब से वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर सकती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर सकती है। तीसरा उसने बताया लिगेंड्स अंडरगोइंग सेकेंडरी वैलेंसी, अगर कोई लिगेंड क्या शो करता है सेकेंडरी वैलेंसी शो करता है डायरेक्टेड टुवर्ड फिक्स्ड ज्योमेट्री। उसने क्या बताया कि अगर कोई लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी अगर शो करता है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स को क्या देगा बेटा सेकेंडरी वैलेंसी देगा, सॉरी फिक्स्ड ज्योमेट्री देगा। अब आ जाता है प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो रहे सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी तो क्या है, जब कोई कंपाउंड किस फॉर्म में होता है बेटा हमारा आयनिक फॉर्म के अंदर होता है, जिस फॉर्म में होता है आयनिक फॉर्म में होता है वो क्या होते हैं हमारी उसकी प्राइमरी वैलेंसी। जैसे इसको मॉडर्न वे में अगर हम बोले क्या बोला जाता है आजकल जो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी अपोजिट जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है विच ए मेटल फेल्स टुवर्ड ए न्यूट्रल लिगेंड और नेगेटिव है। जब कोई मेटल एक फोर्स या फील करती है, जब किसी के साथ अटैच होती है कोई मेटल या वो न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है जैसे NH3 है, H2O है, CO, ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड है। जब न्यूट्रल लिगेंड के साथ अटैच होगी सेकेंडरी वैलेंसी, या फिर कोई नेगेटिव आयन हो सकता है जैसे CN नेगेटिव हो सकता है, HCN नेगेटिव हो सकता है, तो क्या कहलाएगा उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल लें Fe CN6 4 नेगेटिव, तो यहाँ पे ये तो क्या होता है हमारा सेंट्रल मेटल, ये क्या होता है हमारा लिगेंड और ये क्या होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये क्या हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। तो मॉडर्न वे में अगर बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी को जो है क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो अच्छे सेकेंडरी वैलेंसी अच्छे हैं, लेकिन अगर इसकी साइनाइटी प्राइमरी वैलेंसी की बात की जाए वो क्या हमारी इसके ऊपर कितना चार्ज होता है -1, तो ये क्या इसकी प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर है पॉइंट सबको। इसके बाद अब वर्नर ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जिनको एक्सप्लेन किया, उनके बारे में उसने स्टडी किया, अपने पोस्टुलेट में उसने बताया, लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी, क्या थी इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो मेजर हम तीन लिमिटेशंस देखेंगे। सबसे पहले लिमिटेशन, अब उसने बताया था कि एक मेटल जो दो टाइप की वैलेंसी शो कर सकती है प्राइमरी सेकेंडरी, और वो उसको टेंडेंसी भी रखती है शो करने के लिए, लेकिन जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कुछ ही है जिनकी संख्या काफी कम है। तो ये इस बात को नहीं बताया वाई ओनली सर्टेन कंपाउंड्स या मेटल्स फॉर्म कोऑर्डिनेट, कि कुछ ही कंपाउंड जो है मेटल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनाते हैं। दूसरा ये किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन वाही लिगेंड्स अंडरगोइंग सेकेंडरी वैलेंसी गिव ए फिक्स्ड ज्योमेट्री टू कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स को वो जो है फिक्स्ड ज्योमेट्री क्यों देती है जब जो सेकेंडरी वैलेंसी शो करती है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमारा, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी कंपाउंड के अंदर बनता है उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और तीसरी जो थी उसकी, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मैग्नेटिक
एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो मेजर वर्नर थ्योरी की हमारी तीन लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन क्या थी हमारी, वो तो ये नहीं बता पाया कि ओनली सर्टेन कंपाउंड्स जो थे वो ही कोऑर्डिनेट मोड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाते हैं। दूसरा वो ये नहीं बता पाया कि जो लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं वो हमेशा फिक्स्ड ज्योमेट्री क्यों देते हैं किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स को। और तीसरा वो नहीं बता पाया कि जो मैग्नेटिक या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कोई भी कंपाउंड शो करता है। मैग्नेटिक का मतलब दो प्रॉपर्टी होती है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। कोई तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कॉम्प्लेक्स अट्रैक्ट हो रहा है, कोई रिपेल हो रहा है, क्यों हो रहा है। दूसरा ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या देखते हैं हम, रोटेशन देखते हैं लाइट की, कि कोई तो प्लेन घूम रहा है लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करा रहा था, कोई प्लेन घूम रहा है लाइट को लेफ्ट में रोटेट करा रहा था, तो क्यों करा रहा था। वो जो थ्योरी थी या वर्नर की जो थ्योरी थी इन बातों को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्लियर है। तो जो इसके लिए पहला अटेम्प्ट था वो सबसे पहले किया था सुडगन ने, जिसको बोलते हैं सजन, जिसने दिया था, जिसके लिए जो पहला कॉन्सेप्ट था वो दिया था सुडगन ने। उसने क्या बताया था कि इसने एक्सटेंड किया था लेविस थ्योरी को, इसको एक्सटेंड किया था इसने लेविस थ्योरी को। इसने एक रूल दिया था EAN रूल, क्या दिया था इसने EAN रूल, जिसको बोलते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या दिया था इसने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। क्या कहा था इसने इसके अंदर, जैसे हम बात करें 3D ट्रांजिशन सीरीज की, 4D की या 5D की। क्लियर है। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है हमारी, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है, और 6D हमारी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होती है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है हमारी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। उसके बाद 6 एलिमेंट पी ब्लॉक की रह जाती है, इसके अंदर पी ब्लॉक आती है। तो लास्ट जो एलिमेंट होता है इसके अंदर क्या होता है, क्रिप्टोनिक नोबल गैस होती है। फिर उसके बाद दूसरी सीरीज थी हमारी ट्रिटियम से लेकर, ये टेम से लेकर कैडमियम तक, जिसके अंदर हमारा एटॉमिक नंबर होता है 39 to 48। फिर आगे 6 एलिमेंट और ऐड करते हैं ये पी ब्लॉक के, तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होती है 54 इसमें जीनोमिक। और उसके बाद लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57, लेकिन लैंथेनम के बाद 58 से लेकर 71 तक हमारे किस में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, एफ ब्लॉक में। 71 के बाद 72 से लेकर ऑफनियम से लेकर के जो लास्ट एलिमेंट आता हमारा रेडॉन, जिसका जो सॉरी रेडॉन ये लास्ट एलिमेंट है हमारा मर्करी, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80। इसके बाद में हम 6 ऐड करते हैं तो 86 एटॉमिक नंबर जो किसका होता है एलिमेंट हमारा मर्करी। इसके बाद अगर हम 6 एलिमेंट ऐड करते हैं 86 तो रेडॉन होता है, जो अगेन एक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो जो सजन थे उन्होंने क्या बताया था कि जब हम किसी भी मेटल के अंदर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मान लिया अगर कोई 3D का एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कॉम्प्लेक्स जब वो बनाएगा इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि उसका जो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है वो पूरी हो जाए। क्या आ जाए, उसकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पूरी हो जाए। जैसे अगर हम बात करें FeCN6O9, क्या बताया था इसने कि अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कोई एलिमेंट किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया तो उसके अंदर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होनी चाहिए, मतलब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितने होंगे 36। अगर कोई सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का बना रहा है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितने होंगे 54। और अगर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का कोई एलिमेंट बना रहा है तो उसके पास नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के लिए 86 इलेक्ट्रॉन होने कंपलसरी है। ये क्या था हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये आपका सेकंड ईयर में आ चुका है।
इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो लिमिटेशंस थी वर्नर की, उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफी थ्योरीज आई, जो वर्नर थ्योरी थी उसकी लिमिटेशंस के दूर करने के लिए चार अलग अलग थ्योरी आई। सबसे पहली थ्योरी हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जो दी गई है, जिसको हम बोलते हैं वीवीटी। सेकंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं सीएफटी। थर्ड दी गई लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं एलएफटी। और थर्ड के बाद जो फोर्थ दी गई वो थी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको बोलेंगे एमओ। तो जो लिमिटेशन थी वर्नर थ्योरी की, उसके बाद चार अलग अलग थ्योरीज जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए आई, जिसके अंदर थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपके सिलेबस के अंदर ये तीन थ्योरी जो हम स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको एक्सप्लेन करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वास गिवन बाय पॉलिन, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी उसको एक्सटेंड किया था पॉलिन ने। किसने एक्सटेंड किया था? पॉलिन ने। कब? 1931 के अंदर। तो पॉलिन ने जो है अपनी थ्योरी के अंदर कुछ मेन पोस्टुलेट्स दिए थे। क्या क्या थे वो मेन पोस्टुलेट्स, वो हम बात करेंगे। पहला पोस्टुलेट इसने क्या बताया था कि जब भी किसी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कैसा हुआ? प्योरली कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्या हुआ? प्योरली कोवलेंट बॉन्ड। कैसे? इसने बताया कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ भेजती है? मेटल की तरफ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बॉन्ड की दो टाइप, आयनिक और कोवलेंट। कोवलेंट की फर्दर टाइप था कोवलेंट बॉन्ड। तो लिगेंड मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कोवलेंट की टाइप है। तो इसने क्या बोला कि जो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? प्योरली कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। दूसरा पोस्टुलेट इसने क्या बताया कि जो मेटल है उसके पास क्या होना चाहिए? रिक्वेसाइट नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए उसके पास? रिक्वेसाइट नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तीसरा, अगर उसके पास रिक्वेसाइट नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, रिक्वेसाइट नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि अगर मान लिया 6 लिगेंड आ रहे हैं तो मेटल के पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए? 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर उसके पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है तो इसको क्या कराने होंगे? मेक्स अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर लिगेंड्स इक्वल टू देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। कि लिगेंड्स का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके बराबर जो उसको क्या अवेलेबल कराने होंगे उसके लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स। और क्वेश्चन इसने बताया कि जब बॉन्ड बनेगा तो जैसे मेटल है जो उसका एम्प्टी ऑर्बिटल है और जो लिगेंड है उसका जो फील्ड ऑर्बिटल है उनकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। मतलब जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे मेटल और लिगेंड इस तरह से
जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं, तो इस तरह से उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, मतलब जो एम है वो इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, एल से। और लास्ट उसने बताया कि जब इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होगी, जैसे डी टू एस पी थ्री, या इसको बोलते हैं एस पी थ्री डी टू हाइब्रिडाइजेशन, एस पी थ्री डी डी एस पी टू एंड एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। ये अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन जो पॉसिबल है, d2sp3 या sp3d2 होगी, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 लिगेंड अगर आते हैं, sp3d होगी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उसका 5, dsp2 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, sp3d होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वो हम पढ़ेंगे अभी आगे हमारी फर्दर स्टडीज के अंदर कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होती है। तो ये थे हमारे मेन ऑसिलेट्स विविध थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कोरिलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता है उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करेंगे वो 2 से लेकर 6 तक हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर होता है तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन उसकी sp होती है, तो आपके हाइब्रिडाइजेशन है sp। वैसे भी अगर आप इनको ऐड अप करके देखेंगे दोनों ऑर्बिटल को तो जो आपका सम है वो 2 ही आएगा। अगर हम बात करें 3, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp2। 2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी उसकी जो ज्योमेट्री होती है हमारी लीनियर। अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp2 तो उसके लिए ज्योमेट्री होती है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा 4 तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp3। sp3 की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारी एक हाइब्रिडाइजेशन और होती है जिसके अंदर आता हमारा dsp2। इसके लिए जो शेप ली जाती है हमारी वो ली जाती है स्क्वायर प्लेनर। कैसी शेप ली जाती है, स्क्वायर प्लेनर। उसके लिए उसके बाद इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, dsp2 के अंदर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि डी का कौन सा ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इसको याद रखेंगे आप, dx²-y² जो होता है ऑर्बिटल इसके अंदर यूज होता है, और वो भी इनर। कौन सा डी यूज होगा हमारा, इनर डी यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन 5 के लिए हमारी sp3d। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d या dsp3। 2 होती है, अगर sp3 है हमारी तो इसके लिए हमारा आउटरेंड डी यूज होगा। कौन सा यूज होगा, आउटरेंड डी। और अगर डी sp3 है तो हमारा n-1d यूज होता है। इसके लिए भी पूछा जा सकता है कि कौन सा डी यूज होगा इसके लिए, तो इसके लिए डी आप याद रखेंगे कौन सा होता है, dz² होता है। स्क्वायर स्ट्रक्चर होगी इसके लिए, स्क्वायर पिरामिड। कैसी शेप होगी हमारी इसके लिए, स्क्वायर पिरामिड। उसके बाद अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो हाइब्रिडाइजेशन 2 होती है, एक d2sp3 और दूसरी होती है sp3d2। d2sp3 में जो ऑर्बिटल यूज होता है n-1, इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर sp3d2 हो तो इसमें हमारा nd इलेक्ट्रॉन यूज होता है, इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर भी आ सकता है कि जो डी यूज हो वो कौन-कौन से, तो जो 2 डी यूज होंगे इसमें वो होंगे dx²-y² और dz². इसके अंदर भी ये रहेंगे, बस ये आउटर वाले यूज हो जाएंगे। उसके बाद इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, लीनियर ऐसे होती है शेप, जैसे हम इसको ऐसे मान लेते हैं ये, या यहाँ पे लिगेंड ले लेते हैं हम लिगेंड। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं AgCN2, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है,
उसके बाद sp2, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेनर होती है, जैसे हमारा सेंट्रल एटम है, इसके साथ इस तरह से हमारे तीन लिगेंड होंगे। उसके बाद टेट्राहेड्रल में हमारा एक लिगेंड और आ जाता है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, जो लिगेंड होता है उसके साथ, सॉरी जो मेटल होती है उसके साथ लिगेंड हमारे इस तरह से शेप बनाते हैं, वो होगा हमारा चार के लिए, ये भी हमारा चार के। आप लिगेंड काउंट कर ले, कोई उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके अकॉर्डिंग आप उसके हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल के लिए शेप, ये हमारा सेंट्रल एटम होगा, जो लिगेंड हम इस तरह से बनाएंगे, आमने सामने वाले बॉन्ड के लेंथ थोड़ी सी लॉन्गर बनाएंगे, इसके कम है। आमने सामने वाले बॉन्ड को हम ऑर्गेनिक एक्सियल बोलते हैं, और ये जो होते हैं बोलते हैं इक्विटोरियल। और उसके बाद जो लास्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन हो जाता है 6, तो उसके लिए क्या हुआ, जो हमने स्क्वायर प्लेनर के लिए बनाया था उसके अंदर दो लिगेंड इंट्रोड्यूस कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है सबको? तो इस तरह से आप बता सकते हैं क्या रिलेशन है हाइब्रिडाइजेशन का कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ। इसके बाद हम करते हैं अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में काफी सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, लेकिन इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी थी, कुछ ऐसी बातें थी जो ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो नेक्स्ट आता हमारा लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट लिमिटेशन आती है हमारी, इट ओनली गिव क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी केवल क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दी इसमें। क्वालिटेटिव क्या होता है, गुणात्मक, जिसके अंदर हम जैसे हम बात करें उसने मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की, ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज उसने एक्सप्रेस की, लेकिन वो क्वांटिटेटिव बिहेवियर को नहीं बता पाया। दूसरा ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया एक तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, कि कोई कलर ग्रीन था कोई रेड था कैसा था, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरा उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दूसरी लिमिटेशन क्या थी हमारी, डज नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। थर्ड था इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई सम फोरम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड सम फोरम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, कि कुछ लिगेंड थे जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहे थे और कुछ लिगेंड थे हमारे जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, तो ये नहीं बता पाया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन बनाएंगे और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे कौन बनाएंगे। उसके बाद फोर्थ लिमिटेशन थी इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लैबाइल एंड इनर्ट लिगेंड्स। क्या होते हैं लैबाइल, तो क्या होते हैं विच रिमूव रैपिडली, और इनर्ट क्या होते हैं जो बहुत लेट रिमूव होते हैं, तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि लैबाइल इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे और हमारे इनर्ट लिगेंड्स कौन से होंगे। पांचवा इट डज नॉट एक्सप्लेन वेरिएशन इन मैग्नेटिक मूवमेंट विद टेम्परेचर, कि जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो यह पाया गया कि अगर हम टेम्परेचर का चेंज करें तो जो कॉम्प्लेक्स है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी चेंज हो रही थी, तो ये उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया कि वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है कॉम्प्लेक्स की क्यों चेंज हो रही है। छठा ये किसको नहीं बता पाया, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है,
वैसे हमें पता है डी ऑर्बिटल जो होते हैं कैसे होते हैं, डी जनरेट। डी जनरेट का मतलब क्या होता है, जिसमें सबकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये बता नहीं पाया कि जो डी ऑर्बिटल जब टूटता है, डी के हमारे पांच ऑर्बिटल होते हैं अलग अलग, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनकी स्प्लिटिंग को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इनके अंदर स्प्लिटिंग होगी तो कौन से ऑर्बिटल जो है हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, कौन से जो ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। इसके बाद इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं, उन स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिगेंड्स होस कोऑर्डिनेशन नंबर इज फोर, दे विल वेदर फोरम स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने आपको भी टेबल बनवाई थी उसके अंदर हमने लिखा था कि चार जो कोऑर्डिनेशन नंबर उसके इसमें दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन कौन सी, एक तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर थी हमारी और एक हमारी टेट्राहेड्रल की, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, चार। तो ये नहीं बता पाया कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगी वो किस केस में होगी और टेट्राहेड्रल होगी वो किस केस में होगी। लास्ट जो इसकी लिमिटेशन थी कि ये नहीं बता पाया जो वाटर है या एलाइड आयन है। यानी बता पाया भी कि जो वाटर है या एलाइड आयन है वो तो क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जबकि जो साइनाइड है, कार्बोनाइल है, ये सारे बनाते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो वो जो है इन बातों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं और जो साइनाइड है वो हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से क्यों बनाते हैं। तो ये जो लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, इनको दूर किया था। इसके बाद जो हमारी सेकंड थ्योरी आती है, मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि हम तीन थ्योरी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और तीसरी हमारी लिगेंड फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने पढ़ लिया है, उसके बाद जो सेकंड थ्योरी आती है हमारी वो आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन सी आती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो थ्योरी थी ये दी थी हंस बेथेने एंड जॉन वैन ब्लैक। किसने दी थी बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हंस बेथेने एंड जॉन वैन ब्लैक ने। ये जो थ्योरी थी इसने जो कुछ हद तक जो लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की उनको ओवरकम किया था। सबसे पहले तो इस थ्योरी के हम ऑसिलेट्स की बात करते हैं, इस थ्योरी के मेन ऑसिलेट्स की बात करते हैं हम। सबसे पहला जो ऑसिलेट था इसका क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो ऑसिलेट था उसके बिल्कुल अपोजिट था। क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बेटा क्या बोला था कि जब भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था कि जब भी हमारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन इस थ्योरी ने क्या माना, मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को प्योरली आयनिक माना। इट अज्यूम्स
मेटल लिगेंड बॉन्ड प्योरली आयनिक अराइजिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन अराइजिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के वही जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा वो प्योर क्या होगा आयन। दूसरा इट ट्रीट मेटल एज ए पॉइंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड एज ए पॉइंट ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। क्या बोला इसने कि जब बॉन्ड बनता है तो मेटल वो होगी जिसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और लिगेंड वो होगा हमारा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट किसने बताया, जैसे विद्युत थ्योरी की लिमिटेशन थी वो ये नहीं बता पाई कि डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे होगी, तो इसने बताया इट स्टेट्स दैट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। कि जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है ना, जब डी ऑर्बिटल टूटेगा तो उसकी स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी बेटा लिगेंड कैसा है, कि जो आने वाला लिगेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या जो लिगेंड आ रहा है वो हमारा एक वीक लिगेंड है। उसके बेसिस पर जो है हम बता पाएंगे कि जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी वो हमारी किस तरह से होगी। उसके बाद जो फोर्थ पोस्टुलेट इसने बताया, ये बताया कि लिगेंड अराउंड सेंट्रल एटम और आयन इन सच ए वे दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम। जब वो सेंट्रल मेटल को सराउंड करेंगे तो इस तरह से सराउंड करेंगे कि जो उनके बीच का रिपल्सन होगा वो हमेशा इक्वल होगा। पांचवा पोस्टुलेट इसने बताया कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं डी जनरेट, मतलब जब ग्राउंड स्टेट में हम डी ऑर्बिटल को लेते हैं तो उन सब की एनर्जी क्या होती है इक्वल होती है, सबकी एनर्जी क्या होती है हमारी इक्वल होती है। उसके बाद जो सिक्स्थ पोस्टुलेट इसने बताया कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है या कोई भी स्पेक्ट्रा है किसी भी ज्योमेट्री का तो उसको हम स्प्लिटिंग से ही एक्सप्लेन करेंगे। सिक्स्थ जो है थर्ड की तरह ही था हमारा। तो उसके बाद हम देखते हैं पहले शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। हमारा शेप ऑफ डी ऑर्बिटल जैसा कि डी जनरेट है, सबकी एनर्जी स्टार्टिंग में इक्वल होती है तो ले लेते हैं हम डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड। पहले तीनों की शेप लगभग सेम होती है ऐसे। अगर हम बात करें पहले तीनों की क्या क्या है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, इन तीनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या है इन बिटवीन द एक्सिस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो मैं बता रहा हूं क्योंकि ये आगे आपको स्प्लिटिंग में मदद करेगा कि स्प्लिटिंग जब हो रही है ऊपर एक जा रहा है नीचे एक जा रहा है क्यों जा रहा है कैसे जा रहा है, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी कि इसकी बात करें या इसकी बात करें।
तो तीनों में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इन बिटवीन द एक्सिस है, लेकिन जब हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करते हैं या डी जेड स्क्वायर की बात करते हैं these are on the axis, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इनके अंदर एक्सिस और उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके अंदर भी ऑन द एक्सिस है जबकि इसके अंदर इन द एक्सिस है, इन बिटवीन द एक्सिस है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा कि जब लिगेंड आएगा लिगेंड का क्या होना है, कोलिजन होना है, टकराना है किसके साथ है, मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ में। अब एक तो वो आगे टकराएगा वर्टिसेस से, उसके बाद लोब से टकराएगा, और एक वो डायरेक्टली टकराएगा किसके साथ, आपका जो ऑन द एक्सिस है। तो ज्यादा जो तेज टक्कर है वो किस केस में होगी हमारे, इस केस में, क्योंकि वो टक्कर है आमने सामने की जिससे एनर्जी उनकी बढ़ेगी ज्यादा। तो जब हम ऑक्टेटल स्प्लिटिंग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे df स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर वो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं बिकॉज़ द कोलिजंस आर डायरेक्ट एंड मोर एनर्जी प्रोड्यूसिंग, व्हाइल इन केस ऑफ dxy dyz dxz दे ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी। क्लियर है? तो d ऑर्बिटल की शेप जो है आपके लिए जाननी बहुत ही जरूरी है, उसके बाद आप जो है क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी को आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद हम लेके चलते हैं क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी फॉर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स। इसके लिए क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आपको पता ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा हमारा 6। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मेटल है तो जो लिगेंड होंगे हमारे इस तरह से, टेबल में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताई थी, इसकी दो पॉसिबिलिटी है d2sp3 या sp3d2, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो लेके चलते हैं हम, जैसा कि मैंने आपको बताया है शुरुआत में जो d और d होता है उसकी एनर्जी होती है इक्वल, ये क्या हमारा डी ऑर्बिटल, ये इस तरफ शो कर लेते हैं हम एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी शो करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर एनर्जी शो नहीं करेंगे तब तक हम इसको बता नहीं सकते कि हायर लेवल पे कैसे जाए। तो थोड़ी सी एनर्जी करके इसकी जो एवरेज एनर्जी होगी डी ऑर्बिटल की थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगी, 5 हमारी डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट हमारा डी जेड स्क्वायर। अब जब इनकी एनर्जी बढ़ गई है तो इसका कोलिजन होना है लिगेंड के साथ। मैंने क्या बताया था स्ट्रक्चर के अंदर कि जो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर है इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द एक्सिस है, तो लिगेंड के साथ डायरेक्ट कोलिजन होगा जिस कारण से इसकी एनर्जी हायर होगी और जो बाकी तीन बचे उनकी एनर्जी लोअर होगी। तो दो ऑर्बिटल हमारे हायर में होंगे और दो लोअर में, लोअर में कौन कौन होंगे हमारे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, यहाँ पे हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे होता हमारा डी जेड स्क्वायर। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे एनर्जी क्या होती है बेटा जीरो, इसको क्या बोलते हैं हमें बैरी सेंटर, क्या बोलेंगे इसको बैरी सेंटर। जो ऊपर वाला है यहाँ पे जो एनर्जी बढ़ी है वो 6dq बढ़ी है, dq में हम इसको मेजर करेंगे, जबकि यहाँ पे जो एनर्जी है वो घटी है माइनस का 4dq, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस का 0.6 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 0.4 डेल्टा ओ, वो क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इस तरह से क्या होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होगी। तो स्प्लिटिंग कैसे हुई मैंने आपको बता दिया कि डी ऑर्बिटल है एवरेज एनर्जी उसकी बढ़ेगी जब लिगेंड के साथ में कोलिजन होगा तो उसका दो के अंदर ब्रेक होगा, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा उसको बोला जाता है बेटा T2g, ऐसे लिखेंगे इसको T2g, जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल उसके अंदर क्या हमारा E g, क्या बोलेंगे उसको E
जी अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बढ़ेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बढ़ेगा। उसके लिए उसने एनर्जी कॉन्सेप्ट लिया कि अगर किसी लिगेंड की एनर्जी डेल्टा ओ एनर्जी ग्रेटर देन पी है, पी का मतलब क्या है यहां पे, पेयरिंग एनर्जी, क्या है पेयरिंग एनर्जी, अगर डेल्टा ओ की वैल्यू ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से, ग्रेटर देन पी है, तो जैसे हम बात करें पहले डी वन के लिए इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा हमारा, यहां पे आएगा, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी -0.4 × 1 = -0.4 डेल्टा, या डी क्यू में अगर मापेंगे तो उसको क्या लिखेंगे हमें 4 डी माइनस का। उसके बाद अगर दो इलेक्ट्रॉन अगर आते हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.8, उसके बाद D3 माइनस का 1.2 इस तरह से। जो मेन पॉइंट है वो यहां पे आता है D4 का केस, क्या बता D4 का केस, यहां पर दो पॉसिबिलिटी हो जाती है। अब पहले हम ऊपर की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए हमने, 3 1 2 3। इसके बाद दो पॉसिबिलिटीज होती है, अगर एक तो जब एनर्जी जो है पेयरिंग एनर्जी से कम होगी तब तो इलेक्ट्रॉन चले जाएगा हायर एक्साइटेड लेवल में, लेकिन अगर डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है तो इलेक्ट्रॉन कहां पे रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, कहां पे रह जाएगा इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएगा, तो वो यहां पे क्या हो जाएगा पेयर, मतलब अगर डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी हो तो नीचे रह गया, मतलब वो क्या बनाएगा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बनाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे पेयरअप हुआ है, यहां पेयरअप होने की बजाय वो यहां पे भी जा सकता है, तो तब उसकी एनर्जी क्या होगी, 3 − −4 × 3 + ऊपर + 0.6 × 1, तो नेट जो एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी −0.6 डेल्टा ओ। इसके लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगी T2g3Eg1, ये कब है जब डेल्टा ओ लेस देन पी है, पेयरिंग हो नहीं पाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा हायर में, तो क्या बनाएगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। दूसरा जब T2g4 हो Eg0 तो डेल्टा ओ क्या होगा ग्रेटर देन पी, वो क्या बनाएगा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक लिमिटेशन थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर उसको एक्सप्लेन किया कि कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। दूसरा इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन किया, जैसे अगर हम बात करें D4 हो गया हमारा, D5 की बात करें, D5 में वही दो केस हैं, या तो ऊपर पेयरिंग हो या तो ऊपर एक्साइट हो जाए सॉरी या फिर नीचे पेयरिंग हो, अगर ऊपर चला गया तो डी में कितने हो गए 5, तो एनर्जी क्या होगी नीचे के −0.4 × 3 − 1.2, ऊपर क्या +0.6 × 2 = +1.2, एनर्जी रहेगी 0। तो जब इस तरह का केस हो पेयरिंग नहीं हो रही है तो कंपाउंड होगा पैरामैग्नेटिक, क्या होगा वो पैरामैग्नेटिक, लेकिन अगर पेयरिंग हो जाए 5 के लिए एनर्जी जब हम निकालेंगे यहां की बजाय अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो कितने होंगे 5 हो गए, तो −0.4 × 5 तो कितनी एनर्जी होगी उसकी 2.0 डेल्टा, क्लियर है। उसके बाद D6 के लिए 6 के लिए क्या है यहां पे पेयरिंग होगी तो क्या हो जाएगा √5/6, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी उसकी −2.4 डेल्टा, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं पेयरअप होके ऊपर जा रहे हैं तो पहले ऊपर जाएंगे 5 और छठा यहां पे पेयरअप होगा तो क्या होगा यहां पे कितने होंगे 4, नीचे वाले की एनर्जी कितनी है −0.4 × 4 कितना हो जाएगा −1.6, ऊपर कितने हैं
प्लस का 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 1.2, तो नेट एनर्जी कितनी बचेगी हमारी माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। तो इस तरह से 7 8 9 और 10 के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने किसको एक्सप्लेन किया था कि कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे और कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बचती है हमारी कि जब इस तरह की स्प्लिटिंग हो रही है दो के अंदर टूट रहा है चार के अंदर टूट रहा है तो दो एनर्जी सेट बन रहे हैं हमारे, एक लोअर एनर्जी सेट बना हुआ है क्या ये हमारा यहां से यहां तक के लोअर एनर्जी सेट जिसको हमने क्या नाम दिया है T2G और एक बन रहा हमारा हायर एनर्जी स्टेट या जिसको बोलते हैं हम PG और जो बीच में जो पॉइंट था वहां पे मैंने आपको बताया था जीरो है डेल्टा ओ की वैल्यू ये क्या था हमारा बैरिसेंटर। तो ये जो दो सेट ऑफ एनर्जी बन रहे एक लोअर एनर्जी और एक हायर एनर्जी सेट बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हमें CFSE क्या बोलते हैं CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए डी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी के लिए सॉरी स्प्लिटिंग के लिए जिसके द्वारा वो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड हो रहे हैं तो वो जो वैल्यू हमारी क्या होती है CFSE। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पे बेटा कि मैंने आपको बताया कि D3 तक तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे ही आएंगे लोअर एनर्जी में आएंगे ही आएंगे लेकिन D4 के लिए दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई पेयर अप हो सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं। पेयर अप होंगे तो माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे ऊपर अगर जाता है चार है तो क्या करेंगे माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस में 0.6 कर देंगे इस तरह से एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तो लिगेंड पेयर अप कराएगा और कौन सा लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को ऊपर ट्रांसमिट करेगा। तो इसके लिए आते हैं बेटा हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या आती है हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या आती है बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि जब हम लिगेंड्स को अरेंज कर दें किसके अकॉर्डिंग उनकी CFSE के अकॉर्डिंग व्हेन लिगेंड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू their CFSE that is called as a spectrochemical series। इस सीरीज के अंदर हमारे दो लिगेंड एक तो बोलेंगे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है याद रखो बेटा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे क्यों क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब क्या है उनकी जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वो ग्रेटर देन पी है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को नीचे पेयर अप कराएंगे नीचे पेयर अप कराएंगे तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन उसकी फील्ड क्या होगी स्ट्रॉन्ग। इसको याद करने का बेटा बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं याद करेंगे NCS जिसका मतलब हमारा नवीन चंद्र सिन्हा अमन पानी के लिए इन दिनों दिल्ली पटियाला नौ सेना कोर्ट के
चक्कर लगा रहा है, ये जो के चक्कर लगा रहा है ये मैंने लाइन को कंप्लीट करने के लिए लगाया है। नवीन चंद्र सिन्हा से बनेगा हमारा NCS, आइसो थायोसाइनाइड, अमन मींस अमोनिया, पानी मींस पायरिडीन, इन दिनों मतलब इथाइलीन, दिल्ली पटियाला डाइपाइड, उसके बाद नाइट्रोसाइल, सेना साइनाइड और कोरट कार्बोनेट। तो ये सारे के सारे क्या हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से याद होंगे, बहुत ही आसान फील्ड बता रहा हूँ। नवीन चंद्र सिन्हा अमन पाने के लिए इन दिनों दिल्ली पटियाला नौसेना कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वीक फील्ड लिगेंड की। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करा पाएंगे, पेयर अप नहीं कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो मतलब क्या बनाएगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब डेल्टा ओ जो है वो क्या होगा लेस देन ए पी, पेयर अप नहीं करा पाएगा। तो इसके लिए ट्रिक होती है हमारी, इतना बुरा था श्याम कालू नाई, इतना बुरा था श्याम कालू नाई, फूला हाथ उसका ऐसे पानी भरा हो जैसे, जो भरा हो जैसे पानी के बाद वाला जो है वो मैंने इसको पूरा करने के लिए लगा। इसके लिए आयोडाइड बी आर नेगेटिव लेस देन एस सी एन नेगेटिव लेस देन एस टू नेगेटिव लेस देन सी एल नेगेटिव लेस देन एनओ थ्री नेगेटिव लेस देन एफ नेगेटिव लेस देन ओ एच नेगेटिव लेस देन सी टू ओ टू नेगेटिव लेस देन सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव लेस देन एच टू। तो क्या है, इतना आई नेगेटिव बोरा बी आर नेगेटिव था एस सी एन नेगेटिव श्याम एस टू नेगेटिव कालू क्लोराइड सी एल नेगेटिव नाइट नाइट्रेट एनओ थ्री नेगेटिव फूला एफ नेगेटिव फ्लोराइड हाथ ओ एच नेगेटिव हाइड्रोक्सिल उसका ऑक्सलेट ऐसे एसिटेट पानी एच टू। तो ये क्या हमारी सुपर ट्रिक है इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड। तो इस प्रकार से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिया है, चाहे वो कंपेयर करने के लिए दिया है, चाहे वो आपसे पूछा गया है कि किसकी कौन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और कौन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इस ट्रिक के बाद जो है आप बहुत ही आसानी के साथ जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट सबको। इसके बाद हम चलते हैं पिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसके लिए पढ़ेंगे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्प्लिटिंग होगी वो हमारी इस तरह से होगी, रिलेटिव एनर्जी स्लाइटली इंक्रीज करेंगे। उसके बाद जो स्प्लिटिंग है वो जो पैटर्न होता है ऑक्टाहेड्रल जो स्प्लिटिंग थी उसके अपोजिट होता है। क्यों, रीजन देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो डी की स्ट्रक्चर बताई तो उसमें मैंने बताया था डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, वो इन बिटवीन एक्सिस थे, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर थे वो दे आर पॉइंटेड टुवर्ड द लिगेंड। लेकिन यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हमारी sp3 है, मतलब जब लिगेंड आगे टकराएगा तो इन ऑर्बिटल के साथ नहीं टकराएगा, मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी लोअर, टकराएगा इनके साथ इस साइड से तो क्या होगा इनकी एनर्जी लोअर होगी, तो एनर्जी लोअर सॉरी इनके साथ आगे टकरा तो एनर्जी क्या होगी हायर, इनके साथ नहीं टकराया लोअर तो नीचे कौन आ जाएंगे dx2 - y2 ऊपर कौन आ जाएगा हमारा dz2। तो पहले हम वैल्यू ले रहे थे, नीचे थी हमारी माइनस का 0.4 उसकी जगह आ जाएगा माइनस का 0.6 और ऊपर आ जाएगा हमारा प्लस का 0.4 डेल्टा टी। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टेट्राहेड्रल। जैसे अगर D1 के लिए एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोलता है एग्जाम के अंदर तकरीबन,
तो हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे, तो कितनी एनर्जी होगी उसकी, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 0.6 dq या डेल्टा t। दो के लिए क्या होगा, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन के लिए तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे सॉरी तीन के लिए क्या होगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो ये दो और ये प्लस में इसका माइनस हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो माइनस का 1.2 और प्लस का 0.4 कितना होगा, माइनस का 0.8 हो जाएगा। उसके बाद डी फोर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से आप करेंगे, उसके बाद पेयरिंग का मैं बता रहा हूँ, जब क्या होगा हमारे इलेक्ट्रॉन फिर डी सेवन जब होंगे, एक दो तीन चार पांच छठा, जब सिक्स इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। अब इसमें कितने हो गए बेटा, तीन माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में ऊपर भी तीन माइनस प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो कितनी एनर्जी बचेगी माइनस का 0.6 डेल्टा t। 8 और 10 के लिए आप इस तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या टेट्रागोनल ज्योमेट्री के लिए भी हम बोल सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर टेट्रागोनल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसके लिए बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा इसके अंदर हमारी स्प्लिटिंग, शुरुआत में तो हम स्प्लिटिंग करेंगे ऑक्टेटल की तरह, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब ऊपर रहेंगे हमारे, वो डी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड वो नीचे रहेंगे, ऊपर एनर्जी बढ़ी हमारे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसके अंदर क्या हमारा जो डी जेड स्क्वायर उसका रिमूव हो जाता है, जिस कारण से क्या उसकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, एनर्जी लोअर यानी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो डी जेड स्क्वायर जो आ जाता है हमारा नीचे लोअर एनर्जी, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी होता है हमारी यहाँ। इसी तरह से यहाँ पे जेड जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर एक इसके अंदर है, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी लोअर हो जाएगी, नीचे कौन कौन आ गया डी वाई जेड और डी एक्स जेड, और ऊपर कौन आ गया डी एक्स वाई। तो इस तरह से आप जो है स्प्लिटिंग कर सकते हैं इसके लिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के, क्लियर है। इसके बेसिस पर जो है हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं, अगर जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर होंगे वो होगा हमारा पैरा मैग्नेटिक, और जिसके अंदर पेयर्ड होंगे वो होगा हमारा डायमैग्नेटिक। इसके बाद हम करते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे जो मेजर लिमिटेशन थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की यही थी, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट आयनिक करंट, सॉरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ए कोवेलेंट करंट। इसने क्या बोला था कि जो भी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा वो प्योरली आयनिक होता है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज के अंदर ये देखा गया है कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर या कई क्या ज्यादातर जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो कोवेलेंट का ही टाइप है, तो कैसा होता है इनके अंदर कोवेलेंट होता है। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कोई पाई बॉन्ड बनता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन चार्ज ट्रांसफर बैंक्स, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये चार्ज ट्रांसफर बैंक्स को जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फोर्थ, इसने इट कंसीडर ओनली डी ऑर्बिटल, डी मेटल आयन कौन कौन से थे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, बट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट पी एक्स पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल, क्लियर है। तो ये क्या थी हमारी मेजर लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस को जो है दूर किया था
लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, LFT। तो जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उसकी मेजर लिमिटेशन यही थी कि उसने आयनिक करेक्टर नहीं लिया। LFT ने केवल क्या लिया था, प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स था उसको आयनिक करेक्टर कंसिडर कर लिया था, वो जो है हमारी लिगेंड फील्ड थ्योरी बताती है। तो इस तरह से आप जो है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, और आशा करता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी आपकी उस प्रॉब्लम का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।